मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोदी जी आने के बाद एक उम्मीद जागी है कि शायद से हमारे देश का अब कुछ हो सकता है। पेट्रोल के भी दाम कम हो गए हैं, तो महंगाई से परेशान लोगों के लिए एक उम्मीद जागी है कि मोदी सरकार आज शायद से कुछ करके दिखाएगी। इस बार बजट जो है अरुण जेटली जी ने निकाला, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, काफ़ी अच्छा निकाला है, पहले से काफ़ी बेहतर। और जो फाइनेंस एक्सपर्ट थे उन्होंने भी इस पर राय बोला है कि काफ़ी अच्छा ये बजट आया अभी तक का। पहली बात तो देश का विकास धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। बारहवीं ने कोई अच्छी पहुँच हुई है, अपने इंडिया में भी बहुत अच्छी पहुंच हुई है, आने वाले दिन और भी अच्छे हो जाएंगे। द मोदी गवर्नमेंट हैज गिवन अस अ रे ऑफ होप टू बिलीव इन देम। इट हैज बीन सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग द 100 डे चैलेंज। इट हैज ओपन अ बैंक अकाउंट्स व्हिच हैज बीन वेरी यूजफुल फॉर द विलेज पीपल। मैं बात करना चाहूँगी प्रधानमंत्री जनधन योजना की। उससे काफ़ी गरीबों का फ़ायदा होने वाला है, प्लस बुलेट ट्रेन का सब इंतज़ार कर रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद पेट्रोल के प्राइसेस भी काफ़ी डिक्रीज हुए हैं, सो अब मेरे हिसाब से तो अच्छे दिन आने वाले हैं। उनको बस थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। कंपेरेटिवली 100 डेज तो काफ़ी कम है किसी भी चीज़ को जज करने के लिए, लेकिन 100 डेज के हिसाब से अभी सरकार ने शुरुआत तो अच्छी करी है, जिस तरीके से स्टेप्स ले रही है बेसिक जो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए जो ले रही है स्टेप। दूसरा जैसे ये गंगा को साफ करने का जो है, और इन्वेस्टमेंट लेके आ रही जो जापान से, ये सारी चीज़ें, चाइना के साथ कुछ अच्छे बातें चल रही हैं जो कि वो स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करने की जो कोशिश चल रही है, इन सब चीज़ों से एम्प्लॉयमेंट आने की काफ़ी अच्छी उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छे दिन है, जो 100 डेज अभी शुरुआत जो हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। कि मोदी सरकार को अब 3 महीने हो चुके हैं आते हुए, तो इस बीच में हमने काफ़ी चेंजेस देखा है देश में कि सबसे पहले तो महंगाई कम हो गई है, उसके बाद काले धन को वापस लाने के लिए SIT की टीम जो गठित की गई है, और काशी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। अब पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी कमी आई है, और उसके जैसे ही मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सेंसेक्स देख सकते हैं आप कहां पर पहुंच गया था, और जनधन योजना भी बनाई गई है, रेलवे की हालत सुधारने के लिए पैसा खर्च किया गया है काफ़ी सारा। तो हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी की सरकार एक बेस्ट सरकार साबित होगी, और हम अगले 5 साल तक तो हम उनको देख रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि अगर अच्छा काम होगा तो 5 साल क्या 15 साल भी हम उनको ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी।